अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा इसके बारे में आपको बताएंगे। माली हालत कैसी होगी, आज आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट के क्षेत्र में काम करेंगे या मल्टीमीडिया के फील्ड में काम करेंगे या ठेकेदारी करेंगे या कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कार्य करने वाले हैं या रेलवे के फील्ड में नौकरी करेंगे या अध्यात्म में जाने वाले हैं या कृषि योग्य भूमि खरीदेंगे या कृषि के क्षेत्र में कार्य करके अपना एक नया जीवन बनाएंगे। किलकारी गूंजेगी या सहनाई गूंजने वाली है, ये सारी बातें भी आज हम आपको बताएंगे। पुस्तक लेखन का योग है कि नहीं, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, परिवार में आपको क्या सावधानी बरतनी है, कैसे रहना है, ये सब भी आज हम आपको बताने वाले हैं और आपकी महत्वाकांक्षाएं कितनी पूर्ण होगी इसके भी बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। माता पिता का सुख कैसा रहेगा, महिला मित्रों का सहयोग कैसा रहेगा, इस पर भी आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आज आपको क्या ध्यान रखना है, सावधानियां क्या बरतनी है, इस पर भी बात करेंगे। आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा और आपको किसकी पूजा करनी है, कौन आपके इष्ट हैं, ये सारी बातें हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। और आपको सेल्फ रिव्यू कैसे करेंगे, अपने दोस्त को कैसे ख़त्म करेंगे, पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाएंगे, हेल्थ वेल्थ पर कैसे ध्यान रखेंगे, सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आज आपको क्या सफलता मिलेगी, आपकी माली हालत कैसी होगी, सब आज आइए आपको बताते हैं। तो जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं जिस फील्ड में आज आप एफर्ट करेंगे, आज उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे। जो भी आपकी दूरदर्शी योजनाएं हैं, प्लान है, मिशन है, उसमें आज आपको बड़े लेवल पर सफलता मिलते हुए दिख रही है। यदि आप सरकार में कोई नए उच्च पद के लिए किसी प्रयास कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए या नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। प्रयासरत कारोबार में आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी, माली हालत अच्छी होगी। यदि कंस्ट्रक्शन, माइंस, रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी इत्यादि में ज़्यादा पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन काफ़ी बेहतरीन है। रोग और शत्रु परास्त होंगे, दूर देश की यात्रा का भी योग बन रहा है। माली हालत आपकी आज काफ़ी अच्छी होगी। कटु भाषा का प्रयोग करने से बचें, जो बातें आपको खराब लगती है उस तरह की भाषा का प्रयोग आप दूसरों के साथ न करें। यदि आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, कहानी लिखना चाहते हैं, किताब लिखना चाहते हैं या किसी महाकाव्य की रचना करना चाहते हैं, उसके लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है, आज आपकी रचनाएं पुरस्कृत हो सकती है। यदि आप खिलाड़ी हैं, खेल के क्षेत्र में आपका रुचि है, तो उसमें बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, आज उसमें आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, आज आप पुरस्कृत हो सकते हैं। तो उस फील्ड में जितना आप एफर्ट करेंगे उसमें आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। नए तरह के कार्य, नए तरह की चीज़ों से आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होते हुए दिख रहा है। भाइयों से बहुत ही अच्छा रहेगा, भाइयों के सहयोग से मन आपका प्रसन्न रहेगा। माता का सुख मिलेगा, यदि आप भूमि भवन खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुके, नहीं तो गलत डील हो सकता है, इसे बचने की जरूरत है। संतान की प्रगति से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। रोग और शत्रु को हल्के में न लें और दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा, पत्नी को नौकरी मिल सकती है, भाग्यशाली आपके सारे कार्य संपन्न होंगे, इनकम का जरिया बढ़ सकता है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, आलस्य का परित्याग करना है। उपाय क्या करना है, आज आप भगवान सूर्य देव की आराधना करें, उनको जल अर्पित करें, क्या करें कि तांबे का लोटा ले लें, लाल फूस पर ले लें और चावल को लाल रंग में रंग करके सूर्य देव की आराधना करें, ओम घृढ़ी सूर्यान्वय मंत्र का जप करें, कवच किला करगला का पाठ करना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आज आपके लिए शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है केसरिया। हरे कृष्ण।